नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि बहुत लोग जानते हैं लेकिन इसके औषधि गुणों से अपरिचित हैं। आज हम इसी औषधि से परिचय कराएंगे जो आप देख रहे हैं इस औषधि से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग में कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। शीशम की लकड़ी को सब कोई जानते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों, इसके पत्ते के बारे में लोगों को नहीं पता है कि इसके पत्ते से कैसे असाध्य से असाध्य रोगों को भी सही किया जा सकता है, हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद हैं, कितने बीमारी को यह दूर कर सकते हैं, कितने बीमारी से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसको सबसे पहले पहचान लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, देख रहे हैं गोल गोल पत्ते होते हैं नोकीलट। और यह इसका स्वाद, जी हाँ दोस्तों, इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वी और कसेली होती है। जी हाँ दोस्तों, और आप इसको प्रयोग करके बहुत सारे रोग को दूर कर सकते हैं। इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, अभी नए पत्ते हैं और इसके पुराने पत्ते हो जाते हैं। तो यह दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको नए नए जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं और इस तरह से जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और कैसा इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, शीशम का पत्ता बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और कसेला भी होता है। दोस्तों, शीशम का तेल भी मार्केट में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पंसारी की दुकान में जाएंगे, आप बोल देंगे शीशम का तेल चाहिए, जो कि वो आपको दे देगा, बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल करके, जी हाँ दोस्तों, इसके पत्ते का इस्तेमाल करके मधुमेह की समस्या कैसे सही कर सकते हैं, साथ साथ पुरुषों को रोग और शरीर का जो जलन, मूत्र विकार या फिर आँखों की लालिमा, जोरों का दर्द, इलाज किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मधुमेह की समस्या है तो शीशम के, कोई भी व्यक्ति को अगर मधुमेह की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, तो आप एक छोटी सी उपाय है, आप इसको करके आप कर सकते हैं। जैसे कि 8 से 10 पत्ते को 2 दाने काली मिर्च के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरह से सेवन करते हैं तो आपकी मधुमेह की समस्या, आप कंटिन्यू 15 से 20 दिन अगर सेवन करते हैं तो आपकी यह मधुमेह की समस्या सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी के शरीर में जलन है, जी हाँ दोस्तों, जलन या खुजली ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा होती है, तो आप इसे क्या करें, शीशम की पत्ती लाएँ। जी हाँ दोस्तों, शीशम की पत्ती ला करके उसको अच्छी तरह से धुल करके पीस लें। पीसने के बाद आप क्या करें, जिस जगह पे जलन हो रहा हो या खुजली हो रहा हो, आप उस जगह उसको पत्ते का पेस्ट जो उस पर लगा दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो जलन है या खुजली की समस्या है उसको सही करता है। दोस्तों, अगले फायदे के बारे में अगर बात करें, जैसे मूत्र की विकार की समस्या, जी हाँ दोस्तों, मूत्र विकार, जैसे कि बार बार पेशाब आना, जलन होना या दर्द होना, इस तरह की समस्या है तो शीशम के पत्ते का, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, शीशम के पत्ते आप इस तरह से ले आइए और 50 से 100 ml की काढ़ा बना करके सुबह शाम पीने से मूत्र विकार में लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप सेवन करते हैं तो आपके मूत्र से लेकर के कोई भी समस्या हो, आप उसको सही कर सकते हैं। दोस्तों, चर्म रोग की समस्या है, जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग की समस्या हो जाती है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और सारे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। शीशम की पत्ती को ले करके इसे पानी में उबाल दें, उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग में फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, आपके शरीर में जो भी फोड़ा, फुंसी या खुजली की समस्या है, उसको यह सही कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है। आपको इसी तरह कंटिन्यू 10 दिन तक करना होगा। आँखों की समस्या है, जैसे कि आँखों में लालिमा हो जाता है या आँखों में सूजन हो जाता है या दर्द होता है, तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है।
दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके जो आप देख रहे हैं पत्ती जो देख रहे हैं ये नए नए जो नर्म, इससे क्या करना है, ये जो नर्म पत्ती देख रहे हैं इसके टहनी पे जो नर्म पत्ती देख रहे हैं, इस तरह से नर्म पत्ती को पीस लेना है। जी हाँ दोस्तों, ला करके आप एक मुट्ठी के बराबर आप लाएँ और इसको अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद आप क्या करें, कोई साफ़ कपड़ा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कोई साफ़ कपड़ा में ले करके उस पेस्ट को उसमें लगा करके आँख के ऊपर बांध लें। इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपकी आँखों की जो समस्या है, लालिमा या जलन, वो सारे दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि आपको जैसे कि जोड़ों का दर्द हो या घुटने का दर्द हो तो आप उस जगह भी आप इसको इसके पत्ती को पीस करके आप उस जगह लेप लगा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर पुरुषों, जी हाँ दोस्तों पुरुषों में जैसे स्टेमिना की कमी हो जाता है और अंदर से वीक हो जाता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अनहोनी समस्या होती है पुरुषों की, उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। आपको क्या करना होगा, इसके 8 से 10 पत्ता मिश्री के साथ, जी हाँ दोस्तों 8 से 10 पत्ता ले लें और मिश्री के साथ रोज़ सुबह सुबह सेवन करने से आपकी जो अंदर की समस्या है, जी हाँ दोस्तों स्टेमिना की कमी है और आपको जो अंदर से कमजोरी हो रहा है उसको भी यह सही करता है। दोस्तों आज हमने बताया शीशम के कुछ पत्ते के कुछ फ़ायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने तो शीशम के बारे में जानते ही हैं, और नहीं जानते तो मैंने बताया है आप इसका प्रयोग करें और अपनी बीमारी को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए नए नए जड़ी बूटी लाते हैं और आप उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए।